गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ ये वाला मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको हिट कीजिए, उसके बाद एक घंटे का आइकन आएगा उस पर प्रेस कीजिए, जिससे आप फ्यूचर में आने वाली मेरी सारी वीडियोस आप तक पहले पहुँचे। सबसे पहले हम अपने फेस पे निविया की सॉफ्ट जेल लाइट मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। इसे अपने फेस पे पूरे से अच्छे से लगाऊंगी मैं। उसके बाद ये मेरे पास है होममेड सीरम। अगर आपने ये होममेड सीरम की वीडियो मेरे नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये मेरा DIY है। इसे अपने फेस पर लगाएंगे, अच्छे से फैलाएंगे। उसके बाद मैं लूँगी फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम। ये बहुत ही अफोर्डेबल क्रीम है और बहुत अच्छी काम करती है। इसे डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर लगाएंगे। आँखों के नीचे भी उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, जो आपको इजीली कहीं भी किसी भी लोकल स्टोर पे मिल जाएगा। उसे वेट करके उसे अच्छे से अपनी पूरे फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर से लगाएंगे, क्रीम को फैला देंगे अच्छे से। आप इसमें पूरा टाइम दीजिए, इसको अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए अपने फेस पे। जितना ज़्यादा टाइम आप लगाएंगे, जितने अच्छे से ब्लेंड करेंगे, आपका बेस उतना अच्छा तैयार होगा। ब्यूटी ब्लेंडर से क्या होता है कि हमारे जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है हमारे फेस पे, वो ब्यूटी ब्लेंडर सोख लेता है और हमारा बेस बिल्कुल फ्लॉलेस नज़र आता है। उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर, कॉम्पैक्ट ये मेरे पास है लैक्मी का कॉम्पैक्ट। इससे अच्छे से अपने फेस को सेट करेंगे। स्पेशली अंडर आइज के नीचे, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो बिल्कुल आप पूरे फेस पे अच्छे से लगाइए, और आपकी ड्राई स्किन है तो बिल्कुल हल्का हल्का लगाइए। उसके बाद हम लेंगे, मैं ले रही हूँ यहाँ म्यूज़िक फ्लावर का जेल आईलाइनर, जिससे मैं अपना आईलाइनर लगाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल आईलाइनर है। और जेल आईलाइनर लगाने में बहुत ही अच्छा रहता है, इसे फैलने का डर नहीं होता, आप इसे इजीली वर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ लगाऊंगी थोड़ा सा विंग आईलाइनर, हल्का सा विंग निकाल के। अब मैं दूसरी आईज पर लगा रही हूँ। इसमें पहले मैं विंग निकालूंगी, फिर धीरे धीरे जेल आईलाइनर पे भी, आईलाइनर पे बिल्कुल धीरे धीरे वर्क करना चाहिए, जिससे कि आईलाइनर फैलने का डर ना रहे। जितने आप धीरे धीरे वर्क करेंगे आपका आईलाइनर उतना अच्छा लगेगा। उसके बाद मेबलिन की काजल, मेबलिन हाइपर कर्ल, सॉरी मेबलिन ये मेरे पास मेबलिन की काजल है, इसको हम लगाएंगे। उसके बाद इसी जेल आईलाइनर से मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी। एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से पहले हम अपनी आईब्रोज के नीचे एक लाइन करेंगे,
आईब्रोज के बिल्कुल पीछे की साइड में, फ्रंट को छोड़ देंगे और बैक साइड में एक लाइन नीचे की साइड करेंगे और एक लाइन ऊपर की साइड करेंगे। फिर जो बचा हुआ प्रोडक्ट है ब्रश में, एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे, उसी से हम अपनी आईब्रोज की फ्रंट पार्ट को करेंगे और अच्छे से इसको फिल कर लेंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम अपनी दूसरी आईब्रोज को करेंगे। एक लाइन ऊपर, एक लाइन नीचे, और इसको फिल करेंगे अच्छे से। और जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उसी से हम अपनी फ्रंट साइड करेंगे, जिससे हमारी आईब्रोज बिल्कुल नेचुरल लगेंगी। उसके बाद मैं लिक्विड लिपस्टिक लगाऊंगी। आप कोई भी लिपस्टिक लगा सकते हैं और किसी भी कलर की। लिक्विड लिपस्टिक को लगाते हुए हमेशा थोड़ा धीरे धीरे वर्क करें, जिससे कि हमारी लिपस्टिक फैलने का डर ना हो। जितना आप धीरे धीरे लगाएंगे उतने अच्छे से आपकी लिपस्टिक लगेगी। अब मेरा मेकअप तैयार है। अब लास्ट में हम लगाएंगे ब्लश। ब्लश के लिए मेरे पास है ब्लू हेवन का ब्लश। ये बहुत ही अफोर्डेबल ब्लश है, ये आपको कहीं भी लोकल स्टोर पे मिल जाएगा। इसे मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से लगाऊंगी, हल्का हल्का। उसके बाद हाइलाइटर, मेरे पास ये इन कलर का हाइलाइटर है 05 रेडियंट। इससे हमारे स्किन में एक नेचुरल ग्लो आता है। इसे हम अपने चीक बोन्स पे, अपनी नोज पे अच्छे से लगाएंगे। इसे आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर अपनी फिंगर्स की हेल्प से ही लगा रही हूँ। हल्का हल्का लगा के उसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। इसे हल्का सा अपने चिन एरिया पर लगाएंगे। हमारा मेकअप कंप्लीट है। ये मेरा है फाइनल लुक। अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।